हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बेस्ड है फेराडेज लो के ऊपर। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर फेराडेज फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो डिस्कस कर लिया था, और उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि जो वेट का फॉर्मूला है वो क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड वॉल्यूम भी कैसे निकालते हैं, तो वो आज न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल सा एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वन मोल ऑफ MnO4 टू नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, और सेकेंड आपको ये देखना है प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन एयर टू O3। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। ठीक है, तो सिंपल है, अगर हम फर्स्ट आंसर देखते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, तो देखो बच्चों इसमें वन मोल ऑफ मैग्नीज, ये के MnO4 नेगेटिव क्या है, आपने सुना ना के MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये पर मैग्नेट आयंस होते हैं। ठीक है, जब ये Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, इसका मतलब आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जो MnO4 नेगेटिव आयन है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव आयन के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर आपको मैग्नीज की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाए तो यहाँ पर हमें पता है, और हमें इससे ये पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं या फिर लूज हुए हैं। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, आपको पता है इसकी हमें निकालनी है, हम इसको एक्स मानेंगे। ठीक है, प्लस करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है वो चार ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन पर क्या होता है, -2 चार्ज होता है, इक्वल टू यहाँ पर -1 का चार्ज है, तो ऊपर आप -1 इक्वल के उधर लिखोगे, अगर +1 होता तो आप +1 लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ±- होता है 8 इक्वल टू -1, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस का 8, तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू +7। इसका मतलब यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7, और यहाँ पर क्या हुई है, +2, यानी कि क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करे कोई भी मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, बट यहाँ पर मेटल है। इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेगा कि +7 से +2 चला जाए, तो डिफरेंस देख लो कितने का डिफरेंस है, 5 का है, दैट मीन्स यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल MnO4 नेगेटिव आयन जो है, 1 मोल पूछा है, ये 1 मोल ही कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 मोल दिया हुआ होता तो आप यहाँ पर 2 करते, तो 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितने आएंगे, 10 आएंगे, तो आंसर क्या आ जाता आपका, 10 आ जाता। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, आपके पास क्या है, प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 10 ग्राम, कहां से, मोल्टन Al2O3 से। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे यहाँ पर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले इलेक्ट्रॉन है कितने टोटल, जैसे हमने यहाँ पर निकाला, वहीं से आप मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो 10 ग्राम के लिए। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ 10 ग्राम ना होता तो आंसर क्या निकल गया आता, और अगर यहाँ पर ये मेंशन हो गया तो इससे क्या चेंजमेंट आता है, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना, Al2O3 है ये, जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव आए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो वो आप अपने आप बैलेंस कर लोगे। ठीक है, बट हमें तो सिर्फ एल्यूमिनियम देखना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, एक एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ही बनाएगा, सिर्फ यहाँ एल्यूमिनियम लिख रखा है, यहाँ ये नहीं लिख रखा 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, इसका मतलब आपको रिएक्शन को बैलेंस करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बस। ये 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन, सिर्फ
एल्यूमिनियम बोला है हम, तो वन मोल एल्यूमिनियम भी चाहिए। यहाँ पर आप ये मत बोलना कि टू है, तो यहाँ पर टू होने चाहिए, यहाँ सिक्स इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर वन मोल ही एल्यूमिनियम है, तो हमें वन मोल ही चाहिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, 27 ग्राम। इसका मतलब क्या है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, थ्री इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, थ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब थ्री मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम एल्यूमिनियम। अगर यह 10 ग्राम नहीं आता तो आपका आंसर कितना आता, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, बट यहाँ पर 10 ग्राम मेंशन है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का जो आपको मास है वो याद रखना चाहिए, जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 27। तो 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ मोल भी मेंशन कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय यहाँ 27 कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 10 ग्राम। ठीक है, या फिर इसको सीधा शॉर्टकट, जैसे कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है और आपको 1 सेकेंड के अंदर आंसर चाहिए या 2 सेकेंड्स के अंदर आंसर चाहिए, तो आप कुछ मत करना, इसमें सिर्फ आप ये देख लो एल्यूमिनियम चाहिए और एक एल्यूमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पर भी तो यही आ रहा है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वहां पर आप सॉल्व करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो यहाँ पर आप आंसर निकालोगे इसको सॉल्व करने के बाद, तो आपके पास आंसर आएगा 1.1 मोल इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, ये तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाता है, आपसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकते हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो और आप क्या कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वहां से भी आप निकाल सकते हो चार्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखोगे चार्ज वाला, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो देखो, 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच मॉल्टन NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इफ, टाइम भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है 965 सेकेंड, देन फाइंड मास ऑफ मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक है डिपॉजिट यहाँ मेंशन कर सकते हो, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व एट एनोड एट STP, ठीक है STP के अंदर कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको वॉल्यूम भी निकालनी है और मास भी निकालना है। अब आपको ये नहीं पता कि कौन सा मेटल यहाँ डिपॉजिट हो रहा है और कौन सी गैस यहाँ रिलीज हो रही है, तो जब भी आप फैराडेज लॉ के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आपके पास मोल्टन NaCl, मतलब कि यहाँ पर एक्वस नहीं है, वाटर का कोई लेना देना नहीं है, तो जो NaCl होता है वो क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव आयन जाएगा Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव आयन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन दिखा दो, अगर प्लस दिखाते हो तो इसका मतलब ऐड हो रहा है, और माइनस इलेक्ट्रॉन दिखाते हो तो इसका मतलब रिलीज हो रहा है, या फिर आप एरो करके यहाँ भी इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब ये किसमें चेंज हो जाता है, Cl फ्री रेडिकल में, और वो Cl फ्री रेडिकल क्या करता है, दो कंबाइंड होके क्या बनाता है, यानी कि 2 Cl फ्री रेडिकल कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, Cl 2 गैस बनाएंगे। ठीक है, अब कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर वेरी इजी, कैथोड पर क्या होता है कि जो Na पॉजिटिव आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाता है, सोडियम मेटल पे, तो हमें ये पता चल गया कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस एनोड पर निकालना है वो क्लोरीन की निकाली है, फर्स्ट चीज क्लियर हो गई। सेकेंड, कैथोड पर कौन सा मेटल डिपोजिट हुआ, सोडियम, इसका मतलब आपको मास किसका निकालना है, सोडियम मेटल का निकालना है, ये चीज क्लियर। आप क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी हुई है, देखो यहाँ लिखा हुआ 1 एम्पियर, इसका मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपके पास है I की वैल्यू, I क्या है 1 एम्पियर, ठीक है,
ओके टी कितना दिया हुआ है, 2965 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है ओके। देन इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं है, हमें क्या निकालना है सबसे पहले मास ऑफ मेटल निकालना है। तो मास या फिर वेट जो है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, एटॉमिक मास इनटू क्या करोगे यहाँ पर आई इनटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इनटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको पता है ये चीज आप यहाँ ले आओगे ठीक है तो वो नंबर ऑफ मोल हो जाता है और नंबर ऑफ मोल निकालने का सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बचेगा। तो वहां से नंबर ऑफ मोल निकाल के फिर आप ये वेट भी निकाल सकते हो ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत दो मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर लो। यहाँ पर क्या करोगे आप, सारी चीजों की वैल्यू रखनी है आपको। देखो एटॉमिक मास हम किसका निकाल रहे हैं, मास सबसे पहले तो सोडियम मेटल का निकाल रहे हैं, इसका मतलब एटॉमिक मास भी किसका चाहिए, सोडियम का चाहिए, जो कि कितना होता है 23। तो आप रखोगे यहाँ 23 इंटू आपके पास जो करंट है वो कितना है 1 एम्पियर है और जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है 965 सेकंड है। यहाँ पर सेकंड में ही टाइम लेना, अगर मिनट्स में होता तो भी आप सेकंड में कन्वर्ट करते उसको ठीक है। 96500 एंड इंटू, अब एन फैक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था एन फैक्टर यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। जब हम यहाँ पर मास किसका निकाल रहे हैं, सोडियम मेटल का निकाल रहे हैं, तो सोडियम मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आएगी ठीक है। और फिर आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, निकाल सकते हो। कैसे देखो, ये ऊपर वाला नीचे वाला इनका कोई लेना देना नहीं, 965 है यहाँ, 965 नीचे भी दिख रहा है तो 100 आ गया, 23 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करोगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल है, 0.23 ग्राम ऑफ मेटल, सोडियम मेटल डिपॉजिट एट कैथोड ठीक है। हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, अब हमें सेकंड निकालना है, वो क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो भी इसी की तरह फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों आपको अच्छे से पता है जब हम एवोगाड्रो नंबर या मोल कंसेप्ट देख रहे थे कि जो 1 मोल ऑफ एनी गैस होता है वो एसटीपी के अंदर उसकी कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर ठीक है। तो आपको यहाँ एटॉमिक मास की जगह पर क्या लेना है, 22.4 लीटर ही लेना है, एसटीपी दिया हुआ है तो यहाँ पर 22.4 लीटर ही आप लोगे ठीक है। तो सिंपल है, अब मैं अगर फॉर्मूला लिख के बताऊं तो क्या आएगा, देखो हमें वॉल्यूम निकालनी है, किसकी निकालनी है, गैस की, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, Cl2, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ Cl2 आप क्या निकालोगे, क्या फॉर्मूला आएगा, एटॉमिक मास की जगह आपको सिर्फ क्या पुट करना है, 22.4 लीटर इनटू, अब इनटू में आपको क्या करना है, देखो I इनटू T सेम ठीक है, और नीचे भी क्या करोगे, 96500 इनटू N फैक्टर, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब उस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूंगी ठीक है। बहुत सिंपल है, अब देखो हम क्लोरीन के लिए निकाल रहे हैं, आई और टी की वैल्यू तो सेम रहनी है बट जो एन फैक्टर है उसकी आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन गैस जब भी रिलीज होगी तो क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही क्लोरीन रिलीज करता है तो वो एक क्लोरीन एटम में चेंज होता है। इवन क्लोरीन गैस में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, तो इसका मतलब 2 एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेंगे तब यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी। तो इसका मतलब जो एन फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो अब आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 22.4 इंटू आई की वैल्यू 1 है और 965 किसकी है, टाइमिंग की, एंड नीचे क्या है, 96500 इंटू एन फैक्टर कितना है, अभी अभी मैंने बताया 2 है ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ नीचे 100 आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 11.2 आ जाएगा। तो
तो आप जब 11.2 को डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि नीचे 100 है, तो आंसर जो आएगा दैट मीन्स जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी, 0.112 लीटर आएगी। ठीक है, ये आपका आ गया सेकेंड आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक तो होता है बच्चों फर्स्ट मेथड ये, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड में आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास को आप यहाँ ले आए, गिवन मास का एटॉमिक मास क्या होता है या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, बाकी ये एज इट इज है। वो किस लिए, वो कब यूज में आता है, जब क्वेश्चन में मास ना पूछा हुआ हो और वॉल्यूम पूछी हुई हो, तो जो वॉल्यूम होता है ना उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है और दूसरा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, एन दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मास ना पूछे डायरेक्ट ये पूछे तो भी आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आपका जैसा मन करे दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और वॉल्यूम पूछी जाए, तो आप तो सीधा आंसर निकाल सकते हो फटाफट, एक सेकंड के अंदर ही, एक मिनट भी नहीं लगेगी आपको निकालने में। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज करके निकाल सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया है फर्स्ट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, 100 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू सोडियम सल्फेट, बट ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस है, मोल्टन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विद इट्स इलेक्ट्रोड इफ, टाइमिंग कितना है 96.5 सेकंड, फाइंड आउट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इफ करंट एफिशिएंसी इज 90%। यानी कि इसके अंदर आपके पास पूछा क्या है, फाइंड आउट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो ये एक्वस Na2SO4 है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एनोड और कैथोड पर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, बट इसमें एक चीज और भी है, करंट एफिशिएंसी भी दी हुई है और करंट एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला जो है वो सेम है, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, वो क्या देखो, सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आंसर जब भी आप करोगे या सॉल्यूशन करोगे, तो Na2SO4 अगर मोल्टन होता तो सिंपल था कि सोडियम और सल्फेट आयंस में से O2 गैस रिलीज हो जाती, बट एक्चुअल में ये एक्वस फॉर्म है, इसका मतलब इसके साथ वाटर भी प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आप क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में वही तो आपको प्रोडक्ट्स बताएगा कि एनोड पर क्या बन रहा है, कैथोड पर क्या बन रहा है, क्वालिटेटिव वही तो होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम क्वांटिटेटिव करते हैं, तो क्वालिटेटिव आना चाहिए आपको, दैट मीन्स आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। Na2SO4 है वो डिसोशिएट होगा Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव के अंदर, यहाँ 2 सोडियम है तो 2 कर दो। ठीक है, और साथ में क्या है, वाटर, क्यों, क्योंकि यह लिखा हुआ है एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर होता है, ये पार्शियली डिसोशिएट होता है किसमें, एच पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। तो मैंने आपको बताया था जब एक्वस फॉर्म होती है, अगर आपको याद हो मोल्टन NaCl फर्स्ट लेक्चर में कराया था, और एक एक्वस NaCl, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये एक्वस है, अब आपके पास नेगेटिव आयन कितने आ गए, 2, और पॉजिटिव आयन भी कितने आ गए, 2 आए हैं। तो आपके पास जो एनोड और कैथोड है उस पर एक ही आयन जाएगा, और कौन सा जाएगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से जो OH नेगेटिव आयन होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। सेम एज इट इज जो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव है उसमें से H पॉजिटिव आयन का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, लो होता है। इसका मतलब वो फास्टली किधर जाएंगे, एनोड और कैथोड की तरफ, तो ये तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल अब हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाला है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है
उसी के नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बना। तो एनोड पर क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और किसमें चेंज हो जाएंगे, OH। कभी आपने OH को ऐसे देखा है, वो तो अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब OH जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, देखो यहाँ पर 4OH कंबाइंड होके H2O एंड O2 में चेंज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो गैस रिलीज हुई किस पर, एनोड पर, वो कौन सी है, O2। ये हमारा प्रोडक्ट है, एनोड प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें कैथोड प्रोडक्ट भी निकालना है, तो कैथोड प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सिंपल। कैथोड पर कौन जा रहा है, एच पॉजिटिव आयन जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है। एच पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। क्या ये हाइड्रोजन ऐसे होती है, नहीं, ये तो अनस्टेबल है, यानी कि ये तो रिएक्टिव फॉर्म में है। तो टू हाइड्रोजन कंबाइंड होके क्या बनाती है, H2 गैस बनाती है। इसका मतलब H2 जो है वो हमारा क्या है, कैथोड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि एनोड प्रोडक्ट क्या है और कैथोड प्रोडक्ट क्या है। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, देखो वही 100 एम्पियर दैट मींस करंट है, और आपको यहाँ पर क्या दी हुई है, टाइमिंग दी हुई है, और आपको करंट एफिशिएंसी दी हुई है जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला है ना उसमें आपको ईटा से मल्टीप्लाई करना है, जब करंट एफिशिएंसी आ जाती है तो वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये मैं अभी इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं। अब हम निकालेंगे H2 के नंबर ऑफ मोल्स और O2 के, दोनों के निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं इरेज कर रही हूँ। तो हमें बच्चों क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द H2 एंड हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ द O2, ठीक है। वो रिएक्शन साथ में रखनी है क्योंकि मैं उसको समझाने के लिए इसलिए कह रही हूँ, रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पर हम n फैक्टर भी देखेंगे, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I × T डिवाइडेड बाय 96500 × क्या होता है, n फैक्टर, यही होता है ना। जब करंट एफिशिएंसी दी हुई होती है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो करंट एफिशिएंसी से, बस और कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। सेम एनर्जी इसका फॉर्मूला होगा I × T और यहाँ पर एफिशिएंसी भी करंट एफिशिएंसी 96500 × n फैक्टर, ठीक है। आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 निकालना है सबसे पहले, तो I की वैल्यू कितनी है 100, टाइमिंग कितना है 96.5 और नीचे करोगे 96500 × n फैक्टर क्या है, n फैक्टर देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको कैथोड पर रिएक्शन कराई, क्या था कि H पॉजिटिव क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, बट H2 गैस नहीं बनी ना। H2 गैस कब बनेगी, जब यहाँ पर दो हाइड्रोजन कंबाइन होगी, दैट मींस ये वाले। तो जब 2H पॉजिटिव आपस में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कितने, 2, क्योंकि एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसका मतलब n फैक्टर कितना आया, 2 आया, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये करंट एफिशिएंसी कितनी है 90%, इसका मतलब क्या है 90 / 100, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, अब यहाँ पे भी आपको सेम एज इट इज ध्यान में देना है। देखो बच्चों वहां पर n फैक्टर निकालना है, n फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो OH थे 4OH वो क्या कर रहे थे, H2O एंड O2 में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस कर देना 2 आ जाएगा, कितने OH चाहिए, 4OH चाहिए, और एक OH नेगेटिव आयन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है, माइनस एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तभी तो O2 बनेगी। इसका मतलब आपके पास जो n फैक्टर है वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 96500 × 4, और यहाँ करोगे 90 / 100, ऊपर 100 × 96.5। तो अब आपको ये भी सॉल्व करना है और ये भी सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा कि H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे और O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो ये आप खुद से सॉल्व करोगे, देन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख के बताओगे, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, अगर ये इलेक्ट्रॉन की गड़बड़ी आपने कर दी तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा, तो वो आपको रिएक्शंस आनी चाहिए। इसीलिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की जितनी प्रैक्टिस कर पाओ आप करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड 33.6 ml गैस, ये गैस कौन सी है, इसका मिक्सचर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। इज ऑब्टेन एट STP, देन फाइंड आउट चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। चार्ज फ्लो दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स क्यू। क्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर ना टाइमिंग दी हुई है, ना आपको करंट दिया हुआ है, आपको सिर्फ वॉल्यूम दी है, वो भी इन दोनों गैसेस की वॉल्यूम दी है, ठीक है। तो मैंने आपको एक वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, नंबर ऑफ मोल इनटू आप क्या करते हो 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है वो लगाते हो, है ना। तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, और नंबर ऑफ मोल निकालने का भी फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें सिर्फ हमें पहले नंबर ऑफ मोल देखना है, देन हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, देखो हमारे पास यहाँ पर दो गैस है H2 और O2। ये कब बनी, जब हमने वाटर को क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज्ड किया, ठीक है। तो हमें N फैक्टर की तो जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल में N फैक्टर चाहिए, उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या होगी, H2O को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये किसमें टूटा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, एनोड पर OH नेगेटिव जो आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और चेंज किसमें होगा, OH में। तो सेम एज इट इज जो 4 OH होंगे वो किसमें, दोनों 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे एंड O2 गैस रिलीज करेंगे। तो O2 गैस रिलीज हो गई, अभी थर्ड क्वेश्चन में कराया था ना, वो ही एज इट इज लिखना है आपको। कैथोड पर क्या होगा, एच पॉजिटिव जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो हमें यहाँ पर एन फैक्टर पता चलेगा, O2 के लिए जो एन फैक्टर है वो कितना होगा, 4, क्योंकि यहाँ 4 OH चाहिए। 4 OH कब होंगे, जब ये 4 OH नेगेटिव होंगे, और ये कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एन फैक्टर 4 हो गया, और H2 के लिए एन फैक्टर कितना हो गया, 2, क्योंकि H2 चाहिए और 2H जुड़ेंगे तभी तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ठीक है। तो N फैक्टर हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास जो ये गैस की वॉल्यूम है ये दोनों की कंबाइंड दी हुई है, तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होता है, 33.6 ml, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पुट करें तो हमारे पास चार्ज निकल के आ सकता है, और वो कौन सा फॉर्मूला पुट करना है आपको, ये वाला देखो, n इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। STP में हम लीटर ज्यादातर देखते हैं, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम दी हुई है किसमें है, ml में, तो आपको वो भी ml में कन्वर्ट करना है, तो ये ml में होता है, ठीक है। प्लस करोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ द O2, यहाँ पर H2 है, और क्या करोगे, इनटू 22400 इज इक्वल टू 33.6 ml, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमें पता है क्यू आई इंटू टी क्या होता है, क्यू ही तो होता है, हमें क्यू निकालना है क्वेश्चन में। अच्छा, क्यू डिवाइडेड बाय कितना होता है, 96500 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर हाइड्रोजन का कितना है, 2, तो आप यहाँ कर दोगे 2 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, साथ साथ 22400 प्लस आप क्या करोगे, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स देखोगे, तो क्यू डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना, O2 के लिए 4, तो आप 4 पुट करोगे और मल्टीप्लाई ये वैल्यू एज इट इज, ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत इजी है बच्चों। अब यहाँ पर देखो हम कुछ चीज कॉमन देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो प्लस का चार्ज है,
तो कॉमन चीज आप बाहर निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, देखो हमने कॉमन क्या निकाला, q इंटू 22400 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, 96500। ठीक है, ये हमारा कॉमन पोर्शन है, यहां से ये वाला और यहां से ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, बीच में प्लस का साइन है। तो बचा क्या यहाँ पर 1/2 और यहाँ क्या बचा 1/4। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, और इक्वल टू, इक्वल टू क्या लिखोगे, 33.6। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं एरो करके लिख रही हूँ ऊपर 33.6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको पता है क्या आएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लो फटाफट। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, q इंटू 22400 डिवाइडेड बाय 96500। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम तो 4 ही आना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 3/4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 3 और नीचे कर दो 4, 3/4, इसका आंसर आ गया। इक्वल टू क्या करोगे, 33.6। अब आपको निकालना क्या है, q। तो q इज इक्वल टू क्या होगा, 33.6 इंटू 96500 इंटू 4 कर दो डिवाइडेड बाय 22400 इंटू 3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, चार्ज जो है या जो चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पास्ट हो रही है सर्किट में, वही आपको निकालना था, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप खुद करोगे, और आपको यूनिट पता है कूलाम होती है तो आप कूलाम मेंशन करोगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम का मैंने दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया था, उसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम का दूसरा फॉर्मूला क्या था, क्यू आई इंटू टी, वही था 96500 और ऊपर क्या था 22400। तो वही चीज सेम, ये वाली चीज सेम आ जाएगी। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला भी पुट करके कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन करे, दो चीजें हैं, तो ऐसे करो, या फिर जब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो भी वही आना है 96500 इंटू एन फैक्टर, यही तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तब ये आ तो रहा है, क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया है आपके पास ये जो क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर चार टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आपको कराए, ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो इसीलिए मैंने ये टाइप्स लिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इससे ज्यादा कोई वेरिएशन पूछा नहीं जाएगा। जो है सिर्फ जो मैंने आपको बताया, सिर्फ यहीं से ही क्वेश्चन बन के आते हैं, और मैंने ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के ही उठाए। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही बेनिफिट है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।